हेलो। हाँ हाँ सर, सर, सर बहुत हल्का आ रहा है। आवाज नहीं आएगी। चलो खैर ठीक है। और बच्चे आने हैं, तुम ही बसाओगे। चलो तू भी है। तो हमारा एलर्जी तो मैंने फिनिश कर लिया। कुछ कॉमन चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, कुछ कॉमन चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो इंटरनेट तो है ही। स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? क्या नाम है? एनसीआरटी कौन सा है? क्लासिकल स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। टारगेट है इस बार का कि वेंसडे को तुम्हारा रेस्पिरेशन में ऑलमोस्ट फिनिश कर देना। मंडे, ट्यूजडे एंड थर्सडे, वैसे भी 6 आवर्स बहुत होता है। स्पीड बढ़ाऊंगा तो वेंसडे को आपका चैप्टर कौन सा? दिखा दे रहा हूँ जल्द। कोशिश कर ना 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 ना, दिस इज पर्सनल प्रॉपर्टी सर। बीइंग टीचर यू कैन टॉक लाइक दिस, ऐसे ही बात करते हैं क्लास में भी? होगी चाहिए तो कहीं और ही गया। ओपन नहीं हो रहा ना।
साइड में हो गया, ये वो कैसे होगा, बड़ा कैसे होगा? स्क्रीन पे शेयर हो रहा है कुछ? हाँ सर, हाँ सर, एनसीईआरटी। तुम लोग क्या करोगे? रीड करना है। कर सकते हैं, ऑप्शन होते हैं। पेन तो बच्चे स्क्रीन पे चलता नहीं है, इसमें आपको माउस की हेल्प लेनी है। चलो छोड़ो बच्चे, आ जाओ। हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि इकोलॉजिकल पिरामिड से सर स्टार्ट करना है। सारा खत्म कर लिए थे, जो लिंबेंस लॉ ऑफ एनर्जी है वो भी हमने फिनिश कर लिया था। आवाज आ रही है ना बच्चे मेरी? हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। हाँ तो मैं इसका स्क्रीन जरा सा हटा दूँ। कैसे हटेगा? यस गुड, ठीक है। तो आ जाओ बच्चे इकोलॉजिकल पिरामिड पे। टाइम हमारा 12:25 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। आप पिरामिड का शेप तो बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। कोनिकल होता है, इस तरह से आपका कोनिकल शेप होता है। इसका जो एपेक्स है वो कैसा होता है बच्चे? नैरो। और जो इसका बेस है वो कैसा होता है? ब्रॉड, ठीक है। तो ये लिखा, द बेस ऑफ ए पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरोज डाउन एट द एपेक्स। वंस गेट अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि जब जो है क्या कहते हैं हम फूड या एनर्जी का रिलेशनशिप दिखाएंगे बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो क्या होगा बच्चे? वो क्या होगा? पिरामिड का जैसा दिखेगा, पिरामिड शेप, ठीक है, पिरामिड जैसा दिखेगा। ओके, द रिलेशनशिप एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। ओके, बात हम क्या कर रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं बच्चे इकोलॉजिकल पिरामिड। और आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, दीज आर आल्सो नोन एज एल्टोनियन पिरामिड। क्या बोलते हैं? एल्टोनियन पिरामिड। नए नाम के लिए इतना मत परेशान, नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। एल्टोनियन पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड बच्चे हम किस किस चीज के लिए रिप्रेजेंट कर, पहले तो ये देखो कि हम इससे रिप्रेजेंट क्या करते हैं। हम बताते हैं क्या? फूड एंड एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टॉपिक लेवल। तो अगर एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन नहीं है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो आपको क्या बताएगा? वो आपको रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का या जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं एट डिफरेंट टॉपिक लेवल्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं
एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, बात समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिजम्स, ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताएगा? ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप बताएगा एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है? कहां पे? इन इन फूड चेन, कहां पे बताएगा? जब फूड चेन का नाम ले लिया तो एनर्जी अपने आप को, ठीक है, फूड चेन में बताएगा आपको। ये ध्यान में रखना, इस चीज को बहुत अच्छे से बिठा के रखना दिमाग में कि फूड चेन में जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, जैसे हम बात करें कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर टर्शियरी कंज्यूमर है, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या बना रहे हैं? डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल बना रहे हैं, और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के बीच में जो ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप है, ठीक है, उसी को क्या, किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? इकोलॉजिकल पिरामिड से रिप्रेजेंट करोगे, जिसका बेस जो है जनरली, जनरली क्या होगा, पिरामिड का तो बेस ऑलवेज वही है, ऊपर नैरो होता है, एपेक्स नैरो होता है, बेस आपका जो है चौड़ा होता है, ठीक है? तो ओके, तो यहां पे देखो, जो बेस होगा जनरली, नॉट ऑलवेज, बेस ऑलवेज कौन रिप्रेजेंट करेगा? प्रोड्यूसर रिप्रेजेंट, ठीक है, ठीक है, बट इसका इसका आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेप्शन इसके मिल जाएंगे। तो दोबारा से आओ, द बेस ऑफ पिरामिड हो गया, वन गेट द सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट लेवल, दस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप, ठीक है, किसका? ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये जो रिलेशनशिप है ऑफ ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे, इनको आप थ्री पार्ट्स पे क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। पहला जैसे नंबर, ठीक है, दूसरा बायोमास, तीसरा एनर्जी, नंबर बायोमास एंड एनर्जी, ओके, उसी को बोल रहा। तो आप पिरामिड जब देखोगे तो तीन ही चीजों के रिस्पेक्ट में देखोगे, नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर, बेस क्या है, हर एक पिरामिड का बेस जो होगा, जो बेस होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ठीक है, आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, व्हाइल द अपेक्स रिप्रेजेंट टर्शियरी या टॉप लेवल, ठीक है, ये जो अपेक्स है ये टर्शियरी या टॉप लेवल, और ये प्राइमरी या मतलब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। द थ्री इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजली स्टडीड, ये मैंने बता दिया, पिरामिड ऑफ नंबर स्टडी करते हो, पिरामिड ऑफ बायोमास स्टडी करते हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी स्टडी करते हो। अब इसमें से आप पहले पिक्चर पे आओ, फिगर 14.4A, ठीक है, ये पिरामिड ऑफ नंबर है, और बच्चे किसका है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर का रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है, आपको पता है कि ग्रास के नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बेस वाला जो मिलेगा सिचुएशन, ये पिरामिड है आपका, जो बेस है दैट विल बी ऑक्युपाइड बाय ग्रास, इसके बाद हर्बी, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन से आ जाएंगे? कार्निवोर, वो भी कौन सा कैटेगरी होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, तो ये आपका प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड, और ये टॉप या फोर्थ, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो आप। ये आ जाओ बच्चे, तो कंज्यूमर के टर्म पे आपके एनसीईआरटी में दिया है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ओके, बात समझ में आ रहा है कि जो पिरामिड है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में,
पिरामिड ऑफ नंबर वो इस तरह से, ठीक है, वो इस तरह से है आपका। तो जो जो बेसिकली ये आपका अपराइट, इस वाले पिरामिड को आप बच्चे क्या बोलते हो, सीधा अपराइट पिरामिड। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसा होगा, क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा होगा, अपराइट, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इसमें लिखा है नहीं, द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर, ओके, द थ्री इकोलॉजिकल दैट आर स्टडीड। अच्छा, फिगर पॉइंट फोर पे, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड, ओनली थ्री टॉप कंज्यूमर्स आर द सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोड्यूसर ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे आप नंबर तो आपसे जाहिर सी बात है चांसेस कम है, या हो सकता है वो पूछ भी ले, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए, यहाँ पे पूछ भी सकता, वैसे ये जो डाटा लिखा है नहीं पूछेगा जल्दी, ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे बोल दे कि सपोज कर लो ये नंबर ए है, ये नंबर बी है, ये नंबर सी है, ये नंबर डी है, आप रेफरेंस ऑर्डर बता दो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो जाहिर सी बात है आपको उसके नंबर से क्या लेने को, आपको तो पता ही है कि नंबर सबसे ज्यादा इस पिरामिड को देख के सबसे ज्यादा नंबर इसका होगा, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, ठीक है, बस में आ रही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नंबर हाइपोथेटिकली दे दिया और फिर इसके बाद पूछता है आपसे कि आप इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करो, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा ध्यान में रखा बच्चा कि इकोसिस्टम में जो प्राइमरी जो है क्या कहते हैं हर्बीवोर और ये जो टॉप वाला बैठा, ठीक है, फिजिकली अगर देखें, इंडिविजुअली फिजिकल लेवल पे देखें तो डेफिनेटली जो लायन है या टर्सरी है वो ज्यादा पावरफुल है कि नहीं, वो ज्यादा पावरफुल, और जो हर्बीवोर है वो उतना पावरफुल नहीं है, ठीक है। बट इकोलॉजिकली देखोगे तो इकोलॉजिकली ये सबसे ज्यादा क्या है, अनस्टेबल, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, हर्बीवोर। हम सिर्फ कंज्यूमर की को कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल, या आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, बट हम इसको सिर्फ कंज्यूमर पे कंसंट्रेट करते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल आपका, ध्यान रखना मैं किसके टर्म पे बोल रहा हूं, इकोलॉजिकल, ठीक है। अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, अब उस चीज को तुम इसमें जो तुम्हारे डेटा दिया है उससे समझ सकते हो। आप देखो प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर है 7,08,000, सेकेंडरी का नंबर है 3,54,000 और टर्सरी का क्या है 3। तो अगर सपोज कर लो यहाँ 7 लाख के आसपास है, यहां से अगर 50,000 खत्म भी हो जाए कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है, इससे 50,000 खत्म हो जाए तो थोड़ा सा इसके कंपेयर में ज्यादा फर्क पड़ेगा, और अगर यहाँ तो सिर्फ है ही 3, तो अगर ये खत्म हुआ तो वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाए, मतलब इसमें सपोज कर लो ये आधा खत्म हो गया, कोई ड्रेस्टिक कोई वो आया बहुत ज्यादा, ये आधा खत्म हो गया, कौन सा हर्बीवोर, तो इससे भारी नुकसान होगा और इसके साथ में ये तो पूरे साफ हो जाएगा, ये तो सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली अस्टेबल कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, ध्यान में रखना। तो एक चीज जो मेन सबसे ज्यादा है कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है क्या होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, अपराइट होता है, ठीक है। ये पिरामिड ऑफ नंबर आपको इन्वर्टेड भी देखने को मिलता है, डिफरेंट तरीके के पिरामिड ऑफ नंबर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट नीचे वाले आओ, 14.4 भी पिक्चर में पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका कौन सा, ये भी शायद ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दिस इज आल्सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर अगर आप पिरामिड ऑफ बायोमास बोलोगे तो वो भी बच्चे कैसा होगा, अपराइट। तो ध्यान में रखना कि ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, ध्यान में रखना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर, ये दोनों बच्चे कैसे होंगे, अपराइट। जबकि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो कैसा होगा बच्चे, सॉरी सॉरी, हाँ ये भी अपराइट होगा,
ये भी अपन, या पिरामिड ऑफ एनर्जी के टर्म में एक और इम्पोर्टेंट चीज लिख लो कि पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइज, वो कभी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पिरामिड है जो ऑलवेज अपराइट होता है, तो एनर्जी जो है ऑलवेज अपराइट होता है, ये ऑलवेज अपराइट होगा, इसमें कोई धोखा नहीं है, ठीक है। जबकि अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा इकोसिस्टम नीचे जो है दिया हुआ, कौन सा इकोसिस्टम है जो जिसमें सारे के सारे पिरामिड ऑलवेज क्या होते हैं, अपराइट होते हैं, ठीक है। तो आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, जहां पे सारे के सारे पिरामिड कैसे हैं, अपराइट, ठीक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बना लेता है, वो आपको पिरामिड नहीं देगा, वो आपको क्या देगा, नंबर देगा कि प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर है इतना है नंबर, कंज्यूमर इतना है नंबर, इसका इतना है, आप ये बताइए पिरामिड का शेप कैसा होगा, ठीक है। सिर्फ नंबर दिया, पिक्चर नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को देख के एक हाइपोथेटिकल ड्रॉ कर लो, फटाफट रफली बता दो, ठीक है, तो ये भी बोल सकता है। तीसरा है सी वाला, ये है बच्चे आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम का, एक्वेटिक इकोसिस्टम का, हाँ, दिस इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर या पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर बच्चे पिरामिड ऑफ बायोमास अगर आपसे पूछे, देखो पिरामिड ऑफ नंबर पूछेगा तब तो आपका कैसा आएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैं बोलूं या पॉन्ड जैसे लेक, ठीक है, इकोसिस्टम, अगर मैं बोल दूं ये एक टाइप का क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहां पे बच्चे पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है बच्चे वो कैसा होगा, वो तो अपराइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर है उन्हीं का जाता है, इसके बाद फिर ठीक है प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये तो ऑलवेज क्या होगा, मतलब ऑलवेज का मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम में, वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको अपराइट दिखेगा। बायोमास की जहां पर बात आएगी सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनका नंबर तो ज्यादा है पर इनका बायोमास बहुत कम, इनका बायोमास बहुत कम, ठीक है, बायोमास उससे के बाद किसका होगा, छोटी वाली फिशेस का होगा जो फाइटोप्लैंकटन या जूप्लैंकटन उसका होगा, फिर इसके बाद उससे ज्यादा बायोमास किसका होगा, तो ये जो पिरामिड हो जाएगा बच्चे वो कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, पिरामिड ऑफ बायोमास जो है क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, और एनर्जी फिर से वही हो जाएगा क्या, अपराइट, ऑलवेज अपराइट, ये आपका इन्वर्टेड हो जाएगा, तो ट्री इकोसिस्टम देख लो एक बार, ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम एक ट्री है, सिर्फ एक ट्री, ठीक है। तो अगर मैं ट्री में पिरामिड ऑफ नंबर की बात करूं, पिरामिड ऑफ नंबर की बात करूं, तो वो तो बहुत कम, ट्री तो एक ही है ना, ट्री ट्री तो एक है। अब ट्री में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये वो तो इस तरह का आ जाएगा, ये कैसा हो गया है, अभी इन्वर्टेड नहीं हो सकते, क्योंकि इसके ऊपर जो सेकेंडरी है वो फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा। तो बच्चे ये जो स्टेप है इसको आप समवट डंबल डंबल या स्पिंडल स्टेप, ठीक है, मतलब इस तरह से, इस तरह, इस तरह, इधर भी कम, इधर भी कम, कुछ कुछ स्पिंडल से, ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हो आप, डंबल से, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर। बायोमास की जैसे ही बात करोगे, बायोमास फिर से क्या हो जाएगा, बायोमास तो ट्री का बहुत ज्यादा है ना, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, अपराइट, और एनर्जी ऑलवेज
जहां पे कंफ्यूजन है वो कौन सा है? पिरामिड ऑफ नंबर। तो ट्री इकोसिस्टम में ध्यान में रखना कि पिरामिड ऑफ नंबर जो ट्री इकोसिस्टम का है वो डंबल या स्पिंडल शेप्ड है। डंबल अगर डंबल ना दिखाई दे तो स्पिंडल दिखाई देगा फिर आप। और पिरामिड ऑफ एनर्जी को मैंने ऑलवेज बता दिया कि ऑलवेज क्या होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में, उनको देखना स्टार्ट कर। यही चीज तो मैं बता, यही तो बोल रहा हूँ, पहले उसको करो और आप पढ़ना स्टार्ट करो। ये सारी चीजें तो बताना है मुझे, एनसीईआरटी में सारी डिटेल में लिखी हुई है, ध्यान दो। रेडी हो बच्चे? ठीक है, तो लिखा है, देखो आप पेज नंबर 249 पे जाओ, जहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी है उसके नीचे से जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट whether it is biomass or numbers has to include all the organisms at that trophic level. ठीक है, आप अगर एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक इकोसिस्टम में आप क्या स्टडी करने जा रहे हैं, वे फूड चेन स्टडी करने जा रहे हैं, समझ में आ रही है बात? तो वहां जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो सब आपको लेने, आप छोड़ नहीं सकते किसी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ कि जब आप पिरामिड ऑफ जो पिरामिड की स्टडी करोगे, whether it is number, biomass or energy, तो आप जितने भी एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं आपको सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। ये लिखा इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉपिक लेवल, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, उसके आगे लिखा है नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ टेक ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स एट एनी ट्रॉपिक लेवल इनटू अकाउंट। अगर तुम चाहो कि कुछ ट्रॉपिक लेवल से स्टडी कर लो तो वो जनरलाइजेशन क्या होगा? ट्रू नहीं होगा। पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान देना कि हम एक फूड चेन की बात करते हैं और मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि नेचर में जैसी फूड चेन हम स्टडी करते हैं वैसी फूड चेन पाई नहीं जाती है। फूड चेन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। एक ट्रॉपिक लेवल का जो एक ऑर्गेनिज्म है हो सकता है एक बना रहा हो प्राइमरी कंज्यूमर, वही ऑर्गेनिज्म दूसरी का सेकेंडरी कंज्यूमर बना रहा है एट द सेम टाइम। क्या बोल रहा हूँ? एट द सेम टाइम, ठीक है। तो वही बोल रहा है नीचे, क्या लिखा है, ऑल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली। मतलब कि एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है किसी इकोसिस्टम के अंदर वो हो सकता है कि सेम टाइम में दो ट्रॉपिक लेवल पर डिफरेंट फूड चेन की जो टू ट्रॉपिक लेवल है उनपे एग्जिस्ट करता सेम ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वही लिखा है कि ऑल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली। वन मस्ट रिमेम्बर दैट ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज। ट्रॉपिक लेवल क्या है? फंक्शनल है भाई। किसी भी फूड चेन में या किसी भी इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन, और ट्रॉपिक लेवल उसको क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके फंक्शनल स्टेटस को, ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनल स्टेटस को कौन रिप्रेजेंट करता है? ट्रॉपिक लेवल। ये स्पीसीज नहीं है ट्रॉपिक लेवल कोई, कि आप ये बोल दो कि नहीं नहीं ये एक ही स्पीसीज होगी दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर एक ट्रॉपिक लेवल पे मिल जाएंगे। ओके, तो यही कह रहा है, वन मस्ट रिमेंबर दैट टॉपिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज लेवल, अंडरलाइन कर लो इसको। अ गिवन स्पीसीज मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। बात तो वही हो गई ना, कि अगर मैं बोल दूं कि कोई एक स्पीसीज एक्स है तो ये स्पीसीज एक गिवन स्पीसीज एक ही टाइम पे दो ट्रॉपिक लेवल पे, तीन ट्रॉपिक लेवल पे, चार ट्रॉपिक लेवल पे, मेनी ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट कर सकती है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, अंडरलाइन कर लो उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पायरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स सीड्स फ्रूट्स पीज एंड अ सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट एंड वर्म। स्पायरो क्या है? वो सीड भी ईट करती है और वो
इनसे तो वो एक ही टाइम पे वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है, दूसरी सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, ठीक है। तो ये चीज है एग्जाम्पल। अब आपको ये क्वेश्चन दे सकता है, एक स्पैरो हो, एक ही टाइम पे वो जो है क्या कहते हैं उस पे कर रही है, दूसरे पे क्या कर रही है, ठीक है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक स्पीसीज डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन बींग्स फंक्शन है इन अ फूड चेन? अब ह्यूमन बींग तो हर जगह पे, वो हर्बीवोर भी है, वो प्राइमरी कार्निवोर्स को भी खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाता, सेकेंडरी को भी खाता, ठीक है। अब कोई बार खुद खुद को नहीं, खुद भी खाया जाता, ठीक है। टाइगर लायन के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो खा ही जाएगा, ठीक है। या आज तो सिचुएशन बहुत सुधर गई है, आज से 35-40 साल पहले 1967-70-80 के आसपास, इवन 90 तक उतना फैसिलिटी नहीं थे। गांव से बच्चे उठाने जाते थे, ये जो जंगली वाइल्ड एनिमल्स जैकाल टाइप के, वो जो हाँ, तो वो चीज है। इन ओके नेक्स्ट पैराग्राफ, इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर एनर्जी एंड बायोमास आर अपसाइड। तो पहला क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में जो नंबर है, मतलब पिरामिड है नंबर एनर्जी एंड इसका बायोमास का, वो कैसा होता है? अपसाइड, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम के लिए है, नॉट ऑल, ध्यान में रखना, ठीक है। That is, producer are more in number and biomass than in herbivores, and herbivores are more in number and biomass than carnivores, and also energy at lower tropic level is almost more than higher tropic level. इसको underline करो special, कि जो energy है वो always lower tropic level पे ज्यादा होगा in compared to higher tropic level. ये मैंने पिछले lecture में भी आपको बता रखा हुआ, ठीक है। ये मत सोचना कि अरे वो तो हायर है तो एनर्जी, तुम किसमें मत चले जाना, अपने केमिस्ट्री वाले उसमें मत चले जाना कि पता लगा आउटर ऑर्बिट वाले के पास तो ज्यादा एनर्जी, ऐसे ही होता है ना, मुझे याद नहीं है बहुत सर, आउटर में ज्यादा होता है ना, हाँ तो वो चीज, ठीक है। तो उसको कॉन्सेप्ट को यहाँ मत भिड़ाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट चीज है और वो डिफरेंट चीज है। अब आ जाओ आप थर्ड पैराग्राफ पे, देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। जो ऊपर जनरलाइजेशन आप पढ़ रहे हैं उसके एक्सेप्शन है, मैंने एक्सेप्शन अभी-अभी आपको बता दिए। इफ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट? मैंने पहले बता दिया कि डंबल या स्पिंडल से, ठीक है। पिरामिड ट्री इकोसिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। ट्री इकोसिस्टम में आपके पहले क्या आएंगे? आपके इंसेक्ट्स आएंगे, फिर इंसेक्ट के ऊपर आपके बर्ड्स आएंगी, बर्ड्स के ऊपर उनसे बड़ी बर्ड्स आएंगी, आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो पिरामिड आप देखो, पहले पहले क्या हुआ कि ट्री एक है पर इंसेक्ट तो काफी ज्यादा है, इंसेक्ट का फिर बर्ड्स की संख्या कम हो जाएगी और फिर उनसे उनकी जो छोटी बर्ड्स वो और कम हो जाएगी। तो इसको आप स्पिंडल से तो बोल सकते हो या डंबल से, जनरली डंबल से तब बोला जाता है जब तीन होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर पड़ जाएगा तो इसीलिए स्पिंडल से। तो स्पिंडल से और डंबल से दोनों को ध्यान में रखना, जो ऑप्शन मिल जाए वो, और अगर दोनों दिए हैं तो स्पिंडल मारना, वैसे मिलेगा नहीं। देखना बच्चे, मैंने बता दिया है, लिख लो इस चीज को, स्पिंडल होगा या डंबल होगा, ठीक है। डंबल जनरली तब होता है जब तीन वगैरह तो ज्यादा अच्छे से डंबल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। उससे भी ज्यादा चूंकि यहाँ पे मिल रहा है तो स्पिंडल से भी हो सकता है। तो अगर स्पिंडल और डंबल में ऑप्शन मिल रहा है तो किसको क्लिक करोगे? स्पिंडल को, ठीक है। हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, बट इसको और किस नाम से बोलोगे बच्चे? ठीक है स्पिंडल ही रहने दो, स्पिंडल ही रहने दो, ठीक है स्पिंडल ही रहने दो, अगर जो ऑप्शन मिल जाए इसके अलावा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चे। नाउ कहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट एंड आल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड्स ईटिंग द स्मॉलर बर्ड, ठीक है। लिख लो बच्चे यहाँ पे सीधे लिख दो, स्पिंडल से लिख दो, सीधे स्पिंडल से लिख दो यहाँ पे, उसके उस क्वेश्चन के आगे लिख दो क्या, स्पिंडल से,
कंफ्यूजन ही खत्म कर, हो गया। आगे चलो, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज आल्सो जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ये भी मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, कर दिया है ना, ठीक है। एक्वाटिक सिस्टम में आप पॉन्ड की बात करो, लेक की बात करो या सी की बात करो, ठीक है। तो ये आपको कैसा मिलेगा जो बायोमास वाला होगा, नंबर वाला नहीं, बायोमास वाला इन्वर्टेड देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इजंट दैट अ पैराडॉक्स, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन तो है ना कि जो जो बेसिकली क्या है, बायोमास है वो प्लैंकटॉन्स का बहुत कम है, फाइटोप्लैंकटॉन्स का, उनसे ज्यादा जू प्लैंकटॉन्स का, उनसे ज्यादा फिशेस का, उनसे ज्यादा बड़ी फिशेस का, ठीक है। दैट्स इट। तो नंबर की बात मैं कहां कर रहा हूं, मैं तो पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहा हूं। हां हां, तुम जो है क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स 1 बिलियन से इकट्ठा कर लो और तुम अपने को मिला लो, देखना कौन ज्यादा होगा। तुम्हारे अगर अगर तुम्हारे जो है क्या कहते हैं वेट का 1/10 मतलब 1/100 रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, अंडरलाइन कर लो, कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप, ईच बार इन एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ गिवन टाइम आर एनुअली पर यूनिट एरिया, ठीक है। वो कह रहा है कि जो भी बार है या जो भी पर्टिकुलर आपका वो है, ये जो बार बने हुए हैं, ठीक है, मतलब जो ट्रॉफिक लेवल है उनमें जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली इंडिकेट करता है, ठीक है। और वो भी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट बस टाइम ही, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया। तो ध्यान में रखना कि ये जो बार है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एनर्जी लेवल बता रहे हैं, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट, अंडरलाइन कर लो इसको। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, लास्ट वाला पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज पे, मेरी क्लास कब तक, 2 बजे तक। तो यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ है, हाउवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स सच एज इट डजंट। अब बच्चे ध्यान में रखना कि जो तुम पिरामिड की बात करते हो, कौन से पिरामिड की बात करते हो, इकोलॉजिकल पिरामिड, इनकी अपनी कुछ लिमिटेशन, लिमिटेशंस में एक लिमिटेशन ये है कि नेचर में तो फूड चेन एग्जिस्ट करती नहीं है, और आप पिरामिड को किस उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फूड चेन के फॉर्म में। दैट मींस कि यहाँ पे वो चीज बता रहा है कि इट डजंट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग, अच्छा पहला, अच्छा देख लो, इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट, मतलब पहला इसका अपवाद एक्सेप्शन क्या है कि ये किसको इंक्लूड करता है, फूड चेन को, और फूड चेन आपकी एग्जिस्ट करती नहीं, एक चीज ये हो गई। दूसरा, अभी अभी मैंने बताया कि एक ही स्पीसीज कई सारे ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होती है, यही तो बताया ना, मतलब प्रेजेंट हो सकती है, एक ही टाइम पे एक स्पीसीज कई सारे ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हो सकती है। तो इसने पिरामिड में कैसे आप उस चीज को रिप्रेजेंट करो, नहीं कर पाओ, तो ये भी लिमिटेशन हो गई किसकी, पिरामिड की, ठीक है। तो दो हो गई कि एक तो फूड चेन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फूड चेन पॉसिबल नहीं है नेचर, और दूसरा एक ही टाइम में दो स्पीसीज जो दो या तीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, दो चीज हो गई, ठीक है। मोरओवर एक और चीज है कि सेप्रोफाइट्स के बारे में भी इसने कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो लिखा है, मोरओवर सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड इवन दो दे प्ले वाइट रोल इन द इकोसिस्टम। तो ये तीन आपके पास क्या है, लिमिटेशन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द गिवन बिलो इज द लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। अब तीनों ऑप्शन दे देगा तो आपको एक ऑप्शन और देगा, चार मतलब ऑल ऑफ द अबव, और अगर इसमें से कोई एक सेलेक्ट करता है बाकी की चीजें उठाता है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन जब भी बनेगा तो एग्जामिनर इतना परेशान नहीं होता, एग्जामिनर क्या करता है वो तीनों को दे देगा, तो जनरली इस तरह नहीं करेगा कि वो क्योंकि उसको उसको दिमाग लगाना पड़ेगा किस चीज में, ऑप्शन बनाने में, और वो चाहेगा नहीं कि ऑप्शन बनाने में दिमाग लगा ले। हाँ, ये हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स करके पूछ सकता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से आपका
जो वो वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? इकोलॉजिकल पिरामिड या बोलो आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम हम देख रहे हैं, उसमें से हमने एनर्जी फ्लो खत्म कर लिया, एनर्जी फ्लो देखा था ना हमने। हाँ, अब हम आएंगे, मैं अभी थोड़ी देर के लिए सक्सेशन छोड़ रहा हूँ और मैं पहले डिस्कस करूंगा आपसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है? सक्सेशन फिर हम आएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें से किसी पार्ट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सब पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, पर हम पहले न्यूट्रिएंट साइक्लिंग खत्म करेंगे, ठीक है? फटाफट आ जाओ पेज नंबर 253 पे, और पहली हेडिंग ऊपर ही दी हुई है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग 14.7। ओके, तो बच्चे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में ये दीज आर द बायो जियो केमिकल साइकिल। ये कौन सी साइकिल है? बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है? मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स एंड जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं उनके मिला के जो पूरी साइकिल है उसको क्या बोलते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है? तो लिखो, यू पढ़ो, मतलब फोकस करो। यू हैव स्टडीड इन द क्लास 11 दैट ऑर्गेनिजम्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। मतलब हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमको लिविंग स्टेटस पे रहने के लिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ठीक है? फॉर ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन द अमाउंट। अच्छा, एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट? तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, जो भी मिनरल आयंस प्रेजेंट हैं सॉइल में उसको क्या बोलते हो? स्टैंडिंग स्टेट। तो ये क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, एक्सेट्रा। अब आप न्यूट्रिएंट्स तो आपने पढ़ रखा है ना, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? इसके अलावा भी जो है प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, क्या मैं बोल रहा हूँ? सॉइल में प्रेजेंट रहने वाले न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो भी आपने मिनरल न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं या अदर न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, मिनरल में तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हटाने पड़ेंगे। क्यों? कार्बन का सोर्स क्या है? एटमोस्फियर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? एटमोस्फियर एंड वाटर, ठीक है? तो CHO आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ना कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? बात समझ में आ रही है? ओके, तो जो है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड टू एज स्टैंडिंग स्टेट। तो ध्यान में रखना, दो चीजें होती हैं, एक स्टैंडिंग क्रॉप होती है, दूसरी स्टैंडिंग स्टेट होता है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है कि एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल को बना रहा है उसको क्या बोलोगे? स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट क्या है कि सॉयल में जो प्रेजेंट मिनरल है एट पर्टिकुलर गिवन टाइम उसको क्या बोलोगे आप? स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है? इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो इन दिस सी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करो, क्या? कि जो स्टैंडिंग स्टेट है ये डिफरेंट जो है इकोसिस्टम में, और एक ही इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट सीजन में क्या करता है? वेरी करता है। मान लिया, सपोज कर लो रेनी सीजन है, अब हर्बीवोर कह रहा हूँ, जो ग्रासेज है खूब ग्रो कर गई, तो वो सॉइल से क्या कर लेंगे? मिनरल्स को निकाल लेंगी, निकाल लेंगी तो सॉइल में मिनरल्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? तो वेरी करता। इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रिसिएट दैट न्यूट्रेंट्स विच आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। न्यूट्रेंट्स कभी, न्यूट्रेंट्स क्या है? देखो, पूरे अर्थ में आपको दो ही चीजें मिलती हैं, क्या? एनर्जी एंड मास। तभी आइंस्टीन ने सिर्फ दो ही चीजों को कंसीडर किया, क्या? मास एनर्जी, और सी क्या थी उसमें? ठीक है, तो सी तो रिलेशन एस्टेब्लिश कर गया वहां पे, तो उन्होंने एनर्जी और मास की बात की। ओके, तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपका क्या है? न्यूट्रिएंट्स मास है, ठीक है? और कभी भी किसी इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स कभी खत्म नहीं होते, ठीक है? ये बाई लॉ ऑफ नेचर खत्म नहीं कर सकते, उसके फॉर्म चेंज हो जाएंगे, वो कभी हर्बी और के पास जाएगा, वो कभी कार्नी और के पास जाएगा, पर रहेगा तो अर्थ में ही, ठीक है? तो ये चीज है, ठीक है? वही कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रिसिएट दैट न्यूट्रिएंट्स व्हिच नेवर आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम आर रिसाइकल्ड टाइम आर रिसाइकल्ड टाइम एंड अगेन इंडेफिनेटली। मतलब इंडेफिनेटली क्या हो रहा है? रिसाइकल हो रहा है, और इसी वजह से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है वो रिसाइकिल हो रहा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से बैक सॉइल, ठीक है?
उसकी एक साइकिल है, वो कभी लॉस नहीं होगा, वो साइकिल चलती रहेगी. तो लिखा द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट दैट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है, बायोटिक से एबायोटिक, एबायोटिक से बायोटिक, ठीक है. ये जो मूवमेंट है न्यूट्रिएंट्स का उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. अनदर नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज बायोजियोकेमिकल साइकिल. तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसका एक और नाम बताओ, तो क्या बोलोगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है. बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब रॉक्स एयर वाटर, ठीक है. तो ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रॉक्स एयर वाटर के साथ उसका जो साइकिल है उसी को बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल. अच्छा, न्यूट्रिएंट साइकिल आपकी दो तरह की हो सकती है, एक जो गैसियस है, दूसरी आपकी सेडिमेंटरी, ठीक है. गैसियस में आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपका कौन सा आ जाएगा गैसियस में, ठीक है, और सेडिमेंटरी में बाकी की आ जाएंगे. तो हमें यहाँ पे तीन चार साइकिल पढ़नी है. आप पहले इस पिक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है. सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ द कार्बन साइकिल इन द बायोस्फीयर. अच्छा, कार्बन साइकिल आगे दिया हुआ है. हाँ चलो पहले ये पैराग्राफ खत्म करते हैं, ठीक है. रिजर्वायर ऑफ द गैसेस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल. अब गैसेस टाइप वाले न्यूट्रिएंट साइकिल कौन कौन सी, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ध्यान रखना कि गैसियस में आपकी कौन कौन सी आती है, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. एग्जिस्ट इन द एटमोस्फियर, कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, इनकी साइकिल किसके साथ चलेगी, एटमोस्फियर के साथ, ठीक है. एंड फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री में कौन सी है, सल्फर एंड फास्फोरस. आपके जो सिलेबस में दिया है वही पूछेगा आपसे, ठीक है. सेडिमेंट्री में कौन सी है, ठीक है. द रिजर्वायर इज लोकेटेड ऑन अर्थ क्रस्ट. जो सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वायर है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिजर्वायर ऑफ द गैसेस एटमोस्फियर और रिजर्वायर ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल अर्थ क्रस्ट. ध्यान में रखना मेरी बात को, पूरी ध्यान पर सुनना, ठीक है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल सॉयल मॉइस्चर पीएच टेम्परेचर. जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है कौन कौन से, सॉयल मॉइस्चर पीएच एंड टेम्परेचर एटसेट्रा, रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर. जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो रेट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं. तो ध्यान में रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्ट, वो जो बेसिकली ये जो आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ रहे हो, इनकी रेट को रेगुलेट कौन करता है, तो आप कहोगे बायोटिक फैक्टर, सॉरी एबायोटिक फैक्टर. कौन से, पीएच, आपका टेम्परेचर, सॉयल मॉइस्चर, ठीक है. द फंक्शन ऑफ द रिजर्वायर इज टू मीट विद डेफिसिट व्हिच अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड रिजर्वायर. अब जस्ट सपोज कर लो कि मैं बोल दूं कि एक साइकिल देखते हैं, साइकिल में क्या देखते हैं, आपका सॉयल है, सॉयल में मिनरल्स प्रेजेंट है, सॉयल में क्या ग्रो कर गया, एक प्लांट ग्रो कर गया, ठीक है. प्लांट ग्रो किया और इसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, उसमें से इंसेक्ट ने खाया, उस प्लांट को किसने खाया, इंसेक्ट का जो खाया वो एक पार्ट उसके काइटिन पे चला गया, उसकी कवरिंग पे, और वो काइटिन थोड़ा सा क्या है, रेजिस्टेंट. तो उसने क्या कर लिया, उसने फोल्ड कर लिया न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर, और वो बहुत स्लोली डिकम्पोज कर रहा, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट होगा, होगा कि नहीं होगा. जो एक पर्टिकुलर रेट से बना रहना चाहिए था उसका इनफ्लक्स एंड इनफ्लक्स, वो क्या हो गया, पर नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं उनको तो चाहिए. तो ये जो बेसिकली डेफिसिट क्रिएट हुआ है, दैट डेफिसिट विल बी फुलफिल्ड बाय द रिजर्वायर. जो रिजर्व के फॉर्म में स्टोर है वो वहां से ले लेगा. यही तो बात समझ, ठीक है. तो यही कह रहा है यहाँ पे कि द फंक्शन ऑफ द रिजर्वायर, रिजर्वायर का फंक्शन क्या है, इज टू मीट विद डेफिसिट व्हिच अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इनफ्लक्स. ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि जो डेफिसिट क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो कौन फुलफिल करेगा, जो रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का, ठीक है. तो इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एटमॉस्फेयर. जो रेट है रिलीज न्यूट्रिएंट्स का एटमॉस्फेयर को, उसमें वो कौन रेगुलेट करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर. अब आते हैं कार्बन साइकिल पे. यहाँ पे आपका कार्बन साइकिल दिया है, फास्फोरस साइकिल दिया है, नाइट्रोजन साइकिल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मिनरल न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है. तो आपको सिर्फ यहाँ पे दो साइकिल पे फोकस करना है, कौन सी, एक आपकी गैसियस साइकिल है, दूसरी आपकी सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है. यहाँ पे कह रहा है, हन वी स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म.
कार्बन कंस्टिट्यूट 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ योर क्वेश्चन आपका डेटा बेस्ड आ सकता है. कार्बन कितना कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड इज नेक्स्ट ओनली टू वाटर, मतलब सबसे ज्यादा वाटर है, इसके बाद किसका है, कार्बन का, ठीक है. इफ वी लुक एट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन, अगर हम टोटल क्वांटिटी ग्लोबल कार्बन की देखें, वी फाइंड दैट 71% कार्बन इज फाउंड डिजॉल्व इन ओशन. ज्यादातर कार्बन कहाँ पे डिजॉल्व है, ओशन में. 70% सरफेस तो वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है. ध्यान में रखना ये भी डाटा आपका इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंट आपका ओशन में डिजॉल्व है, 71%. द ओशियानिक रिजर्वायर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. जब वहां वो क्या कर रहा, एक रिजर्व का काम कर रहा, जो ओशियन में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है वो किस तरह काम कर रहा, अच्छा किस फॉर्म में डिजॉल्व, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है. तो द ओशियानिक रिजर्वायर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. डू यू नो दैट एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स अबाउट 1% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन. डू यू नो दैट एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स अबाउट 1%. हाँ ये ध्यान में रखना, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एटमॉस्फेयर में गैस का कितना, मतलब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर पे कितना है, 1%, ठीक है. आपको जब आप एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस को दिखाते हो तो वो कितना आता है, आज के डेट पे तो बढ़ा हुआ है, तो आप ये बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.045 ppm, इससे ज़्यादा हो गया वो, ठीक है. बट स्टार्टिंग में जो आपकी बुक्स लिखती हैं या मॉड्यूल में देखोगे तो 0.003 ppm दिखा, ठीक है, वो हो गया 0.0045 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है. तो ध्यान में रखना है आप अपना. तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है कि वो कितना है, लेस देन, ठीक है, अबाउट 1% लिखा हुआ, ठीक है. नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल आल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन. अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि विच ऑफ द गिवन बिलो इज रिजर्वायर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन दे रहा है तो आपका ओशियनिक, आपका एटमोस्फियर और आपका फ्यूल फॉसिल फ्यूल, ठीक है. और अगर आपसे बोल दे कि विच ऑफ द गिवन बिलो इज मेजर रिजर्वायर ऑफ CO2, तो ओशियनिक हो जाएगा, ठीक है. तो फॉसिल फ्यूल आल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन. कार्बन साइक्लिंग अकर्स टू एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड टू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म. सब सिंपल सी बात है कि एक प्लांट ग्रो कर रहा है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो कार्बन को क्या करेगा बच्चे, फिक्स करेगा, उसके बायोमास में आ गया, उसके बायोमास से चला गया कहाँ से, हर्बीवर्स के, हर्बीवर्स से चला गया कार्निवर्स के, ठीक है. अब ये सब चाहे वो प्लांट हो चाहे हर्बीवर हो चाहे कार्निवर्स, ये जब सब डिकम्पोजिशन होगा तो वापस से कहाँ पे आ जाएगा, एटमॉस्फेयर पे. ये पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा, फिर से प्लांट क्या करेगा, उसको फिर से एक्युमुलेट कर लेगा. तो सेम यही लिखा है, कंसीडर जो है कि कार्बन साइक्लिंग अकर टू एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड टू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म. अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, 4×10³ किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली. एनुअली फोटोसिंथेसिस से कितना कार्बन फिक्स किया जाता है, 4×10³ kg, ठीक है. अब इसको तुम बिलियन में चेंज कर लेना, कितना होगा, 10⁶ मिलियन हुआ, 10⁹ trillion, सॉरी बिलियन हुआ, 10⁻¹২ क्या हो गया, ट्रिलियन हो गया. दैट मीन्स ये कितना है, 40 trillion, ठीक है. उस दिन पहले एक मीम बना था बहुत तगड़ा, सुना है कि नहीं, नहीं सुना, समित पात्रा, समित पात्रा नाम सुने हो, समित पात्रा बीजेपी स्पोक्स पर्सन. तो उससे एक कांग्रेस के लीडर ने पूछा कि आप बता दो, आप बार बार बोल रहे हो कि इंडिया की इकोनॉमी हम 5 trillion कर देंगे, 5 trillion कर दें, आप जरा ये बताओ ट्रिलियन में कितने जीरो. तो अब जब डिस्कशन वहां चल रहा होता है तो कई बार दिमाग नहीं जाता, तो कुछ देर तक सोचे तब तक हंस क्या पड़े, मतलब वो पूरा फ्रस्ट्रेट कर दिया.
तो बता ही नहीं पाए, ये बताओ ट्रिलियन में कितना जीरो है। बोले मैं क्यों बताऊं ट्रिलियन में कितने जीरो है। तो उसमें मीम बन गया पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है, कि जो कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर को क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, रेस्पिरेटरी लॉस बोल सकते हो। डिकम्पोजर्स आल्सो कंट्रीब्यूट साइमल्टेनियसली टू CO2 पूल बाय देयर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब जो डिकम्पोजर है वो क्या करते हैं, जो डिकम्पोज कर रहे हैं तो वो भी तो ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं, वो भी CO2 को वापस कहाँ पे भेज रहे हैं, एटमॉस्फेयर पे भेज रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ आप। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू द सेडिमेंट्स एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन। अब बच्चे क्या होता है कि कुछ अमाउंट है कार्बोनेट के फॉर्म में बच्चे, तो वो जैसे जैसे आपके हैं ओशियनिक सिस्टम की बात करो तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे आप मैंने आपको क्या बताया था, डिनोफ्लैजेलेट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स ही बताया। ठीक है, तो वो क्या होता जाता है कि वो कार्बोनेट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जा रहा है। मैंने उसका कुछ नाम बताया था, क्या बताया था, डायटोमस, डायटोम, अच्छा हाँ, नॉट डिनोफ्लैजेलेट, दीज आर द डायटम्स। ठीक है, डायटम्स एंड डेसमेट्स, तो वो उनका जो कार्बोनेट के फॉर्म पे वो जो सलवाल का है वो सिलिका के साथ डिपॉजिट होता जाता है और वो जो है डायटमेटिस अर्थ बना रहा, तो वो क्या हो गया, तो वो सर्कुलेशन से बाहर हो गया, वो सर्कुलेशन से बाहर हो गया। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कुछ पार्ट है जो कि सर्कुलेशन से बाहर हो रहा है। तो लिखा है सम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट्स एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन। तो ये ध्यान में रखना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्निंग ऑफ वुड, forest fire and combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity and additional sources of our religions due to the atmosphere. Common चीजें हैं, ध्यान में रखोगे आप। Human activities have significantly influenced the carbon cycle. अब बच्चे normal cycle की बात होती तब तो ठीक है, अब हम लोग खूब fossil fuel खर्च कर रहे हैं, हम लोग खूब industry चला रहे हैं, humans ने सारा पूरा कर रखा हुआ। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, वही कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द कार्बन साइकिल। अब आप क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा गिवन ऑप्शन में कौन सा जो पार्ट है जो सिग्निफिकेंटली कार्बन साइकिल को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर। तो आप बोलोगे आप ह्यूमन एक्टिविटीज, रैपिड डिफॉरेस्टेशन। अब किस तरह से कर रहा है, एक तो खूब पेड़ पौधे क्या कर रहा है, काट रहा है, रैपिड डिफॉरेस्टेशन, मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। आप चाहे ऑटोमोबाइल चलाओ, चाहे आप इंडस्ट्री चलाओ, ठीक है, for energy and transport has significantly increased the rate of release of carbon dioxide into the atmosphere. और इसका result क्या हो रहा है, greenhouse, इसका result human activities का जो result है वो greenhouse है। तो ये आपका ecosystem में carbon cycle मैंने finish कर दी। आते हैं ecosystem phosphorus cycle। phosphorus cycle के साथ बच्चे क्या है कि phosphorus is a major constituent of biological membranes, nucleic acids and cellular energy transfer। ध्यान में रखना कहाँ कहाँ पे है, एक तो जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स है उसका पार्ट बनाता है, आपके एनर्जी का पार्ट बनाता है, एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम का, और न्यूक्लिक एसिड का। मेनी एनिमल्स आल्सो नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक सेल्स, बोन्स एंड टीथ। आपके सेल्स में मतलब सेल्स का मतलब जैसे मोलस्का के ऊपर जो सेल पाई जाती है, ठीक है, उसका पार्ट है, आपके टीथ का पार्ट है, आपके बोन्स का पार्ट है, ठीक है, तो वहां पे भी आपको पाया जाता है। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द फास्फोरस इज रॉक। ध्यान में रखना इस चीज को कि रॉक का नेचुरल रिजर्वायर क्या, सॉरी फास्फोरस का, रॉक व्हिच कंटेन्स फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट। व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड, माइन्यूट अमाउंट ऑफ दीज फास्फेट डिजॉल्व इन द सॉइल सॉल्यूशन एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द, मतलब वेदरिंग, मैंने वेदरिंग पढ़ा रखी है आपको, ठीक है, वेदरिंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तीन टाइप की बताई थी मैंने, ठीक है। वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स के टूटने को क्या बोलते हैं, वेदरिंग। और वो किस तरह से हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है। बायोलॉजिकल कैसे होगी भाई, लाइकेंस वगैरह, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स किससे होगी, अच्छा वो तोड़ देगा, अरे ऐसे कैसे तोड़ देगा, वो तुम पता नहीं कहाँ हो, सीड जर्मिनेशन को तुम
उतना नहीं पर हो सकता है वो भी मुझे उतना आ गया। चलो ठीक है जो भी है आगे बढ़ते हैं। ठीक है द अदर टू मेजर एंड इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड फास्फोरस साइकल्स आर फर्स्टली एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स एंड सेकंडली द गैसेस एक्सचेंज ऑफ द फास्फोरस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल। दो चीजें जो एटमॉस्फेयर से फास्फोरस का इनपुट है वो बहुत नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का मेजोरिटी है। ठीक है कार्बन एंड अगर फास्फोरस की बात करो तो क्या है कार्बन का ज्यादा जो रिजर्वायर है मतलब जो सोर्स है वो बेसिकली क्या है एटमॉस्फेयर से ज्यादा है। ठीक है फास्फोरस का नहीं है और अगर आप कार्बन की बात करो फिर नेक्स्ट क्या है सेकेंडली गैसियस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस। अब गैसियस एक्सचेंज तो होता नहीं है फास्फोरस का ठीक है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है वही बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड आवर एनवायरनमेंट इज नेग्लिजिबल। लास्ट एक पैराग्राफ है बच्चे ये ऊपर वाला देखो सिंपलीफाइड मॉडल ऑफ द फास्फोरस साइक्लिंग इन अ टेरेस्ट्रियल। देखो यहाँ पे है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे गया कंज्यूमर से डेट्रिटस मतलब जो उसका पूरा गिरा डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल उसका डिकम्पोजिशन हुआ सॉइल सोल्यूशन में आया साथ में रिजर्वायर का काम कौन कर रहा है रॉक मिनरल्स वेदरिंग से सॉइल सोल्यूशन में गया। अब ये जो सॉइल सोल्यूशन में जो भी फास्फोरस प्रेजेंट है उसको उसके दो सोर्स दो चीजें हो सकती हैं या तो रन ऑफ करके नीचे लीचिंग के थ्रू अंदर चला जाए और अगर नहीं गया तो उसको कौन एक्वायर कर लेगा प्रोड्यूसर। This is the cycle, okay? अब एक लास्ट पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट के यहाँ पे नाम वगैरह तो ध्यान में रखना कि हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है एक इकोसिस्टम का अपने आप में हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग क्या कर रहे हैं हर एक इकोसिस्टम को बेड लेयर तक कर रहे हैं। ठीक है तो इसमें ये बोल रहा है कि इकोसिस्टम का हेल्दी होना ठीक है वो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है आप एक ह्यूमैनिटी वाले बात करें तब भी आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है आप ह्यूमन हो आप इवॉल्व हो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका एकाधिकार मतलब कि सिर्फ आपका राइट है उसमें बाकी के ऑर्गेनिजम्स का उसमें राइट नहीं है। जितना नेचर ने आपको आजादी दी है रहने की उतनी ही आजादी आपको हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्योंकि एट द एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे हो रहे हैं डेवलप हो रहे हैं कहाँ पे बर्थ हो रहा है उनका नेचर में। ठीक है तो नेचर तो सबको उतना ही चीज दे रही है अब अगर उसमें कोई डोमिनेटिंग है वो अपना एक अधिकार मान के और दूसरे को खत्म करना स्टार्ट कर दे दिस इज रॉन्ग और ह्यूमंस यही करता है। तुम पता नहीं अभी छोटे हो सर अभी चीज को एनालाइज नहीं कर रहा है। ड्रेस्टिक चेंज हो रहा है क्लाइमेट तुमको लग रहा है मैं अभी बताऊं मेरे यहाँ का जो पैटर्न है जो ठंडी का जो सीजन होता था वो होता था दिसंबर से मिड जैन या 20th ऑफ जनवरी तक इतना होता था मिड जैन मतलब जैसे नवरात्र वो होती थी मकर संक्रांति जैसे खत्म होती थी ठंडी जनरली क्या हो जाती थी कम होना स्टार्ट हो जाती थी। अभी क्या है वो दिसंबर वाली ठंडी शिफ्ट हो गई अब वो जनवरी पे पहुंच गई। ठीक है इवन अब फरवरी पे भी उतनी ठंडी पड़ रही है नॉर्थ इसको छोड़ो रेगिस्तान अभी मैंने तुमको बताया था ना कि सऊदी अरब वगैरह या उधर लेबनान वगैरह जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वहाँ रेगिस्तान है गर्म एरिया माने जाते हैं पर वहां पे अभी पिछले दिनों बर्फबारी हुई। ये क्या है क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर्स पिघले जा रहे हैं। ठीक है आने वाले टाइम पे हो सकता है जो कुछ आइसलैंड्स हैं वो खत्म हो जाए वहाँ पानी भर जाए क्योंकि वो पानी आएगा तो जाएगा कहाँ तो यही करेगा जाके। तो ये सारी चीजें हैं बहुत सारे लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हैं पर क्या है कि मतलब कई सारी चीजें हैं ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है उनको सस्टेन करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। तो सस्टेन कर रहे हैं जिनके पास रिसोर्स ज्यादा है वो एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लाइक डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस वगैरह या जो भी है। ठीक है एशिया की प्रॉब्लम क्या है कि एशिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा है कि एक तो लोग जो है उस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे उनको लग रहा है कि दिस इज द रोल ऑफ गॉड क्योंकि गॉड का रोल है नहीं वहाँ पे। ठीक है दूसरा चीज ये है कि बहुत फेवरेबल कंडीशन है ह्यूमन पॉपुलेशन के रिप्रोडक्शन के लिए तो मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम तो ऊपर से जो मेडिकल फैसिलिटी हुई उसकी वजह से पहले ऐसा नहीं पहले मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है
मतलब कई बार ऐसा होता था कि लोगों के आठ आठ दस दस बच्चे हुए और सारे के सारे मर गए ऐसा। हाँ महामारी होता था, पर मेडिकल साइंसेज की वजह से इस पे थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है, तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन बहुत राइज कर रहा है। तो पॉपुलेशन जब राइज करेगा तो पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, जॉब क्रिएट करनी पड़ेंगी, घर रहने के लिए बनाने पड़ेंगे, मतलब। तो इसकी वजह से जो फॉरेस्ट लैंड है वो बहुत ज्यादा खत्म हुआ, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ लोगों के रहने के लिए, ठीक है। तो ये सब अल्टीमेटली किसको नुकसान पहुंचा रहा है? नेचर को। तो वही चीज है, द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेस। मतलब जो इकोसिस्टम से, अगर इनडायरेक्टली आपको नहीं समझ में आ रहा है इकोसिस्टम, तो आप ये बोलो कि फॉरेस्ट से आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आपको क्या मिल रहा है। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो प्रोडक्ट, उनको क्या बोलते हो आप? इकोसिस्टम सर्विसेज। अब सबसे बड़ा प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है इकोसिस्टम से? जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर रही है? आपके लिए लाइफ लाइन है वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। ध्यान में रखना, अंडरलाइन कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अ हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्यूरिफाई एयर एंड वाटर, ठीक है। एयर को भी प्यूरिफाई करता है और साथ में वाटर को भी। मिटिगेट ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, ये जो ड्रॉट्स एंड फ्लड्स हैं उसको भी क्या करता है फॉरेस्ट? रोकता है, ठीक है। ये फॉरेस्ट खत्म हो रहा है इस वजह से ड्रॉट्स एंड वो बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, ठीक है। फ्लड्स, साइकिल, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करता है। जनरेट फर्टाइल सॉइल्स, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन होगी तो फर्टाइल सॉइल भी क्या होगी? जनरेट होगी। प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, अगर फॉरेस्ट होंगे तो वाइल्ड लाइफ जो है, जिनसे हम डरते हैं या जिनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वट एवर वाइल्ड लाइफ, चाहे जो हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ का पार्ट बना रहा है वाइल्ड लाइफ, तो उसको भी फॉरेस्ट क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, उनका उनका उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रखा है। पोलिनेट क्रॉप्स, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन एंड ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। दो वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू, मतलब अगर आप प्राइस टैग लगाना चाहो, जैसे एक शर्ट खरीदने गए मॉल पे तो उसमें क्या लगा होगा प्राइस टैग? कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो उसमें क्या लगा होगा? प्राइस टैग। तो अगर तुम इकोसिस्टम सर्विसेज को प्राइस टैग लगाना चाहो तो ये डिटरमिन करना डिफिकल्ट है, ठीक है। पर देखो, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, ठीक है, थोड़ा सा रुको। इट सीम्स रीजनेबल टू थिंक दैट बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी अ हेल्दी हेफ्टी प्राइस टैग। बहुत, मतलब उसका प्राइस टैग बहुत ज्यादा होगा जो कि अफोर्डेबल नहीं होगा, ठीक है। तो लिखा है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, प्राइस टैग डिटरमिन करना बहुत डिफिकल्ट है इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए, बट एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है, इकोलॉजिस्ट है बेसिकली, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कलीग्स हैव वेरी रिसेंटली ट्राइड टू पुट प्राइस टैग ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विस, जो नेचर की लाइफ सपोर्ट सर्विसेज, उनमें क्या करने की कोशिश किया? प्राइस टैग लगाने की। रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ 33 ट्रिलियन US डॉलर, मतलब कितना टका लगाया? ऑन ट्रिलियन ईयर ऑन द बीच फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज विच आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री। मतलब हमने उसको क्या कर रखा हुआ है? ग्रांटेड ले रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि नेचर से हमको ये क्या मिल रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट लिख रही है, मिल रही है। और इनका एक साल में जो क्या है, इनका जो प्राइस है वो कितना है? 33 US ट्रिलियन US डॉलर। मुझे लगा पूरे वर्ल्ड की अगर आप उसको कर दोगे, इकोनॉमी की बात करोगे, तो शायद 33 ट्रिलियन US डॉलर नहीं, तो मैं एक कंट्री नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, विच इज, मतलब पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है GNP जो है वो कितना है? 18। ये बेटा डाटा थोड़ा पुराना है, ठीक है, पर फिर भी आप मान लो कि कितना है अप्रोक्सीमेटली जो प्राइस टैग हो रहा पूरे वर्ल्ड से, वो कितना है? डबल है, और उसको हमने ग्रांटेड ले रखा है, ठीक है।
यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर द, मतलब सबसे ज्यादा किसके पे जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन कितना होगा वो 50%। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर हम रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा के प्राइस टैग को देखते हुए बात करें तो सबसे ज्यादा खर्च किस पे जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन पे, ठीक है, 50%। एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन ऑफ एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है, वो लेस देन 10% होगा। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6% ईच। तो यहाँ से मैंने आपका न्यूट्रिएंट साइकिल बच्चा खत्म कर दिया है। अभी हमारे पास हाफ एन आवर्स है, इसमें हमको क्या खत्म करना है, सक्सेशन। आराम से उसमें बच गया, बहुत ज्यादा थोड़ी है, प्लस कर सकते हैं। तो वैसे भी बच्चे बेस खत्म कर दिया मैंने, मतलब तो जो बेस बनना होता है वो पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर का थोड़ा सा, अब भी ऐसे ही है। अगर ये मुझे दोनों मिल जाता, मेरा टारगेट था कि पूरी कॉलेज को दो लेक्चर में खत्म करना, अभी तो मैं नीचे चला हूँ दो लेक्चर में, क्योंकि अब बच्चे समझाने वाला पार्ट बहुत कम रह गया, बहुत कम, सिर्फ मेमोराइज करने वाला है, ये बताना है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और कुछ खास नहीं। चलो इकोलॉजिकल सक्सेशन में आ जाओ, पेज नंबर 250, 14.6। ओके, यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर 13, पिछले वाले चैप्टर में, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड आल्सो देयर रिस्पांस टू एनवायरनमेंट एंड हाउ सच रिस्पांस वेरी फ्रॉम एन इंडिविजुअल रिस्पांस। लेट अस एग्जामिन अनदर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी रिस्पांस टू एनवायरनमेंट ओवर टाइम। मतलब हमने पीछे वाले चैप्टर में क्या पढ़ा, इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिजम्स है उसका इंटरेक्शन, ठीक है, विद एनवायरनमेंट एज वेल एज विद अदर ऑर्गेनिजम्स, ये चीज देखी हमने। मतलब हमने बात की पॉपुलेशन लेवल, ठीक है, हम थोड़ा सा अगर कम्युनिटी लेवल पे बात करें, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज के ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं किससे, कम्युनिटी का, आप मतलब जो डिफरेंट कम्युनिटी है उनके बात करने जा रहे हैं, उनका एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा है उसमें बात करेंगे, जो डिफरेंट कम्युनिटीज है हाउ डू दे इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ आप, कि एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कम्युनिटीज इज दैट देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सारी कम्युनिटीज का क्या है, उनका कंपोजिशन, मतलब उनमें डिफरेंट कंपोनेंट कैसे हैं और वो डिफरेंट कंपोनेंट किस तरह का स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्या स्ट्रेटिफिकेशन, अब वो चाहे आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम हो, डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्ट्रेटा दिखते हैं वहां पे, डिफरेंट लेयर्स दिखते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिटीज की वो क्या है, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, और वो कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। वही लिखा हुआ है कि an important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly change in response to changing environmental condition. ये जो composition and structure है, ये change होते हैं किसके उसमें, environmental change की वजह से, ठीक है, तो ध्यान में रखना ये important line. This change is orderly and sequential. इसको underline करो कि ये जो change है composition and structure में, ठीक है, ड्यू टू द वेरिएबल एनवायरमेंटल फैक्टर, ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, एंड एक जो है क्या कहते हैं, सीक्वेंस में होगा, ऑर्डर में होगा, पैरेलल विद द चेंज इन द फिजिकल, जैसे जैसे फिजिकल एनवायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे जो स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन में चेंज है कम्युनिटी की, वो भी उसके पैरेलल ही चेंज होगा, एनवायरमेंट में चेंज हुआ उसमें चेंज हुआ, कम्युनिटी में एनवायरमेंट पे कवर, जिस तरह से एनवायरमेंट बिहेव करेगा कम्युनिटी उस तरह से बिहेव करेगी, तो जो चेंज है वो पैरेलल चल रहा है, ठीक है, ओके। दीज चेंजेस लीड फाइनली टू ए कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट एंड कॉल्ड इज, अब इसको आप वो करो, इसको क्या करो, अंडरलाइन करो, ठीक है, मतलब जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जो बच्चे चेंज आ रहे हैं, ठीक है, वो चेंज किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वेरिएबल एनवायरमेंटल फैक्टर, तो कम्युनिटी के चेंज और एनवायरमेंटल फैक्टर के चेंज ये पैरेलल रन होते हैं
और दूसरा ये जो चेंज है वो ऑर्डरियल एंड सिक्वेंशियल है, वो ऑर्डर में है और सिक्वेंस। तो मैं क्या बता रहा हूं कि उनके बात कर रहा मैंने बोला कि जब ये चेंज होते रहेंगे, मतलब कम्युनिटी चेंज हो रही है विद विद फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में कम्युनिटीज क्या हो रही है, एक स्टेज आएगी कि ये कम्युनिटी चेंज होते होते उस स्टेज पे पहुंच जाएगी जिसको आप बोलते हो क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। और ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ये एनवायरनमेंट के साथ किस स्टेज पे होगी, ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है कि दीज चेंज लीड फाइनली टू ए कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स, ठीक है। अब ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कोई चेंज नहीं आता, जो चेंज आएगा अभी मैं इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, वो पहली की कम्युनिटी में आएगा, जो कम्युनिटी जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोल रहे हो, ये ऑलमोस्ट जो एनवायरमेंट है उसके साथ इक्विलिब्रियम में होगी और अब ये क्या रहेगी, कंटिन्यू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसके पहले की जो कम्युनिटी है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बेसिकली फाइनल स्टेबल कम्युनिटी, फाइनल, ठीक है। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिफाइन किया है और डिफाइन करते समय क्या बोल रहा है कि जो ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब वो जो डिफरेंट वो जो कम्युनिटी है वो जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड देन क्लाइमेक्स, ठीक है, क्लाइमेक्स। तो ये जो पूरा ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज है, ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज कहां पे, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन पे जो ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज है, दैट चेंज इज नोन एज, क्या बोलोगे इसको, इकोलॉजिकल सक्सेस, इकोलॉजिकल सक्सेस, ठीक है। During succession, some species colonize an area and their population become more numerous, whereas population of other species decline and even disappear. Succession के में क्या होगा कि different species आएंगी, colonize करेंगी, colonize करने का मतलब रहना start करेंगी एक particular area में, उस दौरान उस हो सकता है कि कोई दूसरी species उनसे जो है वहाँ पे आए, उसका number बहुत एक्सीड कर जाए, वो ग्रो कर जाए बहुत अच्छे से, और जो पुरानी स्पीसीज है हो सकता है कि वो खत्म हो जाए, फिर वो जो दूसरी स्पीसीज है फिर से कंडीशन कुछ इस तरह से चेंज हो एनवायरनमेंट की कि तीसरी आके वहां पे डोमिनेट कर जाए और दूसरी खत्म, ये इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कोलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस व्हेरेज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज डिक्लाइन एंड इवन डिसअपीयर। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ, द एंटायर सक्सेशन सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंजेस इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड स्पीयर। ये जो कम्युनिटी 1, कम्युनिटी 2, कम्युनिटी 3, कम्युनिटी 4, कम्युनिटी 5 अप टू कम्युनिटी 5 नॉट क्लाइमेक्स, ठीक है, इनको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, स्पीयर, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लो इसको कि द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज
इन अ गिवन एरिया, बच्चे इसको भी इंक्लूड कर लो क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है, एक गिवन एरिया में ये जो चेंज हो रहा है कम्युनिटीज का, उनको इंडिविजुअली या आपस में उनका रिलेशन बताओगे, आपस में उनका रिलेशन बताओगे तो उनको क्या बोलोगे, सीए, ठीक है, हाँ सीए कम्युनिटीज, हाँ वैसे बोल सकते हैं, टॉपिक लेवल चेंज है, कम्युनिटीज के नाम है, तो जब तुमको मैं आगे एग्जांपल दूंगा, ये सारी चीजें एग्जांपल से समझाई जाएंगी तब समझ में आएगा, अभी ध्यान दो। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड एज सीरियल स्टेजेस आर सीरियल कम्युनिटी, हाँ ये पूरी बात है, इसको नहीं करने से बेहतर क्या है, इस क्लाइमेक्स को नहीं, वो इसमें जो सीरियल कम्युनिटी सीयर है उसमें क्लाइमेक्स को नहीं रखना है, ये कम्युनिटी वन से लेके कम्युनिटी फाइव जो भी चीज है, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, सीरियल कम्युनिटीज, मतलब ऐसी कम्युनिटीज जो बेसिकली रिप्लेस कर दी जा रही है विद टाइम विद सक्सेशन, क्या हो रही है, रिप्लेस कर दी जा रही है, तो उनको आप क्या बोलोगे, सीरियल कम्युनिटीज, ठीक है। तो यही लिखा हुआ यहाँ पे कि द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी, ये जितनी भी ट्रांजिशनल कम्युनिटी है जो फिक्स नहीं रह रही है, ठीक है, इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड सीयर, सॉरी क्या हो गया, द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सीरियल स्टेजेस आर सीरियल, ये जितनी भी है ये इनको आप सीरियल कम्युनिटी बोलो या सीरियल स्टेज बोलो, ठीक है, इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेज देयर इज अ चेंज इन डाइवर्सिटी of the species of organism, increase in the number of species and organism as well as increase in the total biomass. बच्चे एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जब अच्छा ये जो community one है बच्चे, ये जो पहली community आई है किसी particular geographical area में, first that community is known as pioneer community. इसको बोलते हैं pioneer. और जो final community बनती है उसको क्या बोलते हैं? तो एक क्वेश्चन बनता है कि स्पीसीज व्हिच स्टार्ट्स इनहेबिटिंग इन अ बेयर लैंड, ठीक है, जहां पे अभी तक कोई कुछ नहीं था, तो उस कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, ठीक है, या फर्स्ट कम्युनिटी ऑफ इकोसिस्टम या पर्टिकुलर जो है उसको क्या बोलोगे, पायनियर कम्युनिटी, ठीक है, लास्ट वाली को क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसके इक्विलिब्रियम में रहती है एनवायरमेंट के साथ, बीच की जितनी भी कम्युनिटी है दे फॉर्म, ये जो कि ट्रांजिशन है वो भी उसको भी इंक्लूड कर लो क्योंकि वो भी तो ट्रांजिट ही थी, ठीक है, तो ये सारी क्या कहलाएंगे, सीरियल स्टेज और सीरियल कम्युनिटी, ठीक है। तो जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है, जब तक वो पहले से बेहतर नहीं होगी तब तक वो दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, और पहले से बेहतर है इसका मतलब है कि उसका नंबर भी ज्यादा होगा, उसमें डाइवर्सिटी ज्यादा है, इसी वजह से वो सस्टेन कर रही है अपने आप को बेटर, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज भी ज्यादा होंगे, इनडायरेक्टली कहो तो डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो वही लिखा हुआ है कि इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंक्रीज इन द टोटल मास। अब जाहिर सी बात है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही, तो बायोमास तो इंक्रीज होएगा ही, ठीक है, तो वो बोल रहा है, तो ये अंडरलाइन कर लो इसको, इसको दो चार बार घर में बैठ के पढ़ना इस लाइन को, ठीक है, कि चेंज इन द मतलब कि जब एक सीरियल स्टेज से दूसरे सीरियल स्टेज पे जाते हो तो क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोमास इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, नंबर इंक्रीज होगा कि, ये सारी चीजें क्या होंगी, इंक्रीज होगा हर एक, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। द प्रेजेंट डे कम्युनिटी इन द वर्ल्ड हैव टू कम टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेस, मतलब जो प्रेजेंट डे कम्युनिटीज आप देख रहे हो ये किसका रिजल्ट है, ऐसा तो नहीं है कि हमको ब्रह्मा जी ने ऊपर से भेज दिया जो कि मेथोडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रियलिटी तो ये है, अगर आप साइंस को फॉलो कर रहे हो तो पहले प्रोकैरियोट्स आया, फिर उससे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आया सिंगल सेल, फिर उससे डेवलप हुए धीरे धीरे करके मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज मोस्ट जो कम्युनिटी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हैव टू कम टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट हैज अकर्ड ओवर मिनी, मतलब एक साल दो साल में नहीं हुआ, ये कितने मिलियंस ऑफ इयर्स में हुआ है, ठीक है, सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ, एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम, ठीक है,
आज की डेट पे नहीं है, आज की डेट पे सक्सेशन एंड एवोल्यूशन यू कैन से दैट दे आर रनिंग पैरेलल, बट उस टाइम पे ये पैरेलल रन हुए, ठीक है, सक्सेशन हुआ उसी, ये बोल लो कि एवोल्यूशन हुआ तो सक्सेशन। सक्सेशन क्या है, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी से रिप्लेस कर देना, क्या कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है। और दूसरी कम्युनिटी को एक मतलब एक कम्युनिटी जो है जो ज्यादा एडवांस थी उसने दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस किया क्योंकि उसमें एडवांसमेंट हुई, उसमें क्या हुआ, एवोल्यूशन, ठीक है। तो बोथ आर द पैरेलल प्रोसेस, ठीक है। सक्सेशन इज हेंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स व्हेन नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सक्सेशन स्टार्ट कब होता है, जब किसी जगह पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो, तो ये पॉइंट आउट करो, ठीक है। दिस कुड बी एरियाज व्हेन वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एवर एग्जिस्टेड, ठीक है, व्हेन नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एवर एग्जिस्टेड, सच एज बेयर रॉक्स, ठीक है। मतलब बेयर मतलब बंजर भूमि, जहां पे कुछ भी ग्रो नहीं करता, कुछ बेयर रॉक्स है वो बेसिकली कहाँ पहुंच गए, दिस कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग, हाँ ओके। तो अच्छा दो चीजें हो सकती हैं बच्चे, एक हो सकता है कि कंडीशन वही है, सक्सेशन स्टार्ट कहाँ पे होगा, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म नो ऑर्गेनिज्म, बट वो हो सकता है कि बेयर रॉक हो, या हो सकता है कि वहां पे ड्यू टू सम कलामिटी वहां पे आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बचाना, ठीक है, मतलब जैसे फायर लग जाना, ठीक है, वॉल्केनो इरप्शन, इस तरह की चीजें हो जाए तब भी क्या होगा, वहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बचा ही नहीं, ठीक है, तो वो हो सकता। तो यही भी लिखा हुआ है इसी वजह से कि नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवर एग्जिस्टेड, से बेयर रॉक्स आर इन अ एरिया दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम दैट एग्जिस्टेड देयर, the former is called primary succession while the later is termed as, ठीक है, secondary। तो जो bare rocks में जहाँ पे पहले को भी कोई living organism रहा ही नहीं, उसको बोलते हैं, उसमें जब start होगा succession तो उसको क्या बोलोगे, primary succession। और जहाँ पे living organism खत्म हो गए, ठीक है, living organism पहले exist करते थे, अब exist नहीं करते हैं, तो उस वाला जो बेसिकली सक्सेशन है उसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी सक्सेशन। उसको क्या बोलोगे, मतलब कि ये वो एरिया है जहां पे एक टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो थे, पर ड्यू टू सम नेचुरल कलामिटी या सम ड्यू टू समहाउ यहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे फिनिश हो गए, और उससे उसमें अगर दोबारा से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कम्युनिटी जाना स्टार्ट करेंगी, देन दैट सक्सेशन विल बी नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स दिया है कि एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स आर न्यूली कूल्ड लावा, वही वोल्केनो इरप्शन, ठीक है, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर। मतलब आपको एग्जाम्पल दिया है जहां पे सक्सेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान इसको अंडरलाइन कर लो, एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर आर न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, newly created pond or reservoir। ये तुमको example दे दिया है किसके, primary। तो इसके साथ एक secondary succession का option दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा primary succession का example नहीं है, आप ही चुका question बच्चे, ठीक है। The establishment of new biotic community is generally slow। ये जो ऊपर वाला primary succession है, इसका जो process है बच्चे वो क्या है? Slow process। ये थोड़ा सा fast। ये process क्या है? Fast। ठीक है, क्योंकि इसमें already जो चीजें available हैं, ठीक है, उससे ये fast हो जाता है। हाँ, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है कि the establishment of a new biotic community is generally slow, where a biotic community of diverse organisms can become established, there must be soil। कहीं पे भी बायोटिक कम्युनिटी को अगर क्या होना है, इस्टेब्लिश होना है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, सॉइल होना चाहिए, क्योंकि आएगी तो पहले प्लांट लाइफ, पहले क्या आएगी, प्लांट लाइफ,
प्लांट लाइफ के बाद एनिमल लाइफ आएगी, और प्लांट को अगर ग्रो करना है तो वहां पे 100% सॉइल का होना जरूरी है। सॉइल क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको मिनरल्स चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स कैन बिकम स्टेब्लिश मस्ट बी सॉइल डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट। किस पे डिपेंड करेगा? क्लाइमेट पे। अंडरलाइन करो, होना जरूरी है। और ये सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करेगी? वहां पे क्लाइमेट पे। नेचुरल प्रोसेस सेवरल सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल ऑन बेयर रॉक। एक बेयर रॉक के अंदर बंजर भूमि के अंदर जो सॉइल का फॉर्मेशन है, सॉइल का फॉर्मेशन वो कितना लेता है? 100 to 1000 years। बात समझ आ रहा है? ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। 100 to 1000 produce fertile soil on bare rock. Secondary succession begins in the area where natural biotic community have been destroyed, such as in abundant farmlands, burnt or cut forest land that have been flooded. ठीक है, ये सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जांपल है, ध्यान में रखो, इनको अंडरलाइन करो। अबंडेंट फार्मलैंड्स, बर्नड और कट फॉरेस्ट लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड। सिंस सम सॉइल्स आर सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन। क्यों? क्योंकि कुछ उसमें जो सबसे मेन चीज क्या है? सॉइल फॉर्मेशन, और वहां पे तो ऑलरेडी सॉइल फॉर्मेशन है, ठीक है, तो सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। ओके, आते हैं बच्चे, बचा है हमारे पास 10 मिनट और ये खत्म करना है मुझे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन चेंज इन वेजिटेशन। मतलब कैसे, मतलब हमारी इकोलॉजिकल सक्सेशन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो मेन फोकस किस तरह से है कि जो सीरियल कम्युनिटीज हैं वो किस तरह से चेंज हो रही है एक के बाद एक, ठीक है। हाउएवर दीज वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न अफेक्ट फूड and shelter for various types of animals. Thus, as succession proceeds, the number and types of animal and decomposer also change. ठीक है, vegetation type change हो रहा है, तो उसमें dependent रहने वाले जो animals हैं और decomposer हैं, वो भी जाहिर सी बात change हो जाएंगे, ठीक है, वो भी change हो जाएंगे. At any time during primary or secondary succession, natural or human induced disturbances. Human-induced disturbances कौन से हैं? Fire, deforestation can convert a particular serial stage of succession to an earlier stage. बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? कि primary succession हो चाहे secondary succession, ठीक है? उसमें natural या human induced जो disturbance, natural disturbance भी और human induced, वो सीरियल कम्युनिटी हो सकता है वो तीसरे लेवल पे पहुंच गई है, अगर उसमें वहां पे डिस्टरबेंस हुआ तो वापस से कहां पे पहुंच जाएगी? नियर पे, ठीक है। कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज। आल्सो सच डिस्टरबेंस क्रिएट न्यू कंडीशन दैट इनकरेज सम स्पीशीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीशीज, ठीक है। अब जब चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि वो कुछ स्पीसीज को प्रमोट कर रही हो और कुछ स्पीसीज को डिस्करेज कर रही, एलिमिनेट कर रही है। ओके, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, बस एक पेज का रह गया कहानी, बस दो टाइप के सक्सेशन आपको पढ़ने हैं। एक है हाइडार्क, मतलब जो पानी में सक्सेशन होना है, पानी में कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट होना है। दूसरा जो बेयर रॉक्स में है, जिसको क्या बोलते हैं? जीरार्क। एक और भी होता है मीजार्क, पर बच्चे मीजार्क यहाँ पे है नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ना है कौन कौन सा हाइडार्क है। बच्चे इससे क्वेश्चन बढ़िया है, क्यों नहीं होगा? रुको, अभी रुको। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, नेक्स्ट उस पे आओ, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स पे। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, कि मतलब हैबिटेट का नेचर कैसा, एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल, whether it is water, very wet areas, or it is a very dry areas. Succession of plant is called hydrarch or gerarch respectively. ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो वाटर में सक्सेशन हो रहा है उसको क्या बोलोगे? हाइडार्क। और जो बेयर लैंड पे हो रहा है या एक्स्ट्रा ड्राई लैंड पे हो रहा है उसको जीरार्क, ठीक है। हाइडार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वाटर एरियाज एंड द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। देखो, दोनों के दोनों में मेजिक कंडीशन की तरफ ग्रो करेंगे, मतलब ऐसी सक्सेशन जहां पे जो
विजार्क वाली कंडीशन है। विजार्क कंडीशन का मतलब बच्चे क्या है कि जैसा आज की डेट पे आप देख रहे हैं, ठीक है, वेल स्टेबलाइज्ड जो कम्युनिटीज है, ठीक है, मतलब हाइडार्स में होगा तो हाइडार्स भी बेसिकली हाइड्रास किसमें चेंज होगा, मेजिक कंडीशन में, मेजिक विजार्क वाली कंडीशन। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि hydrarch succession takes place in water areas and the successional series progress from hydric to magic condition, मतलब water से plain वाली condition पे, ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं। as against the giraffe succession takes place in dry season or dry areas and the series progress from giric to magic, ठीक है। अब अगर तुम बताओ, suppose कर लो एक रेगिस्तान, रेगिस्तान में धीरे-धीरे करके changes आए, वहां पे lichens grow कर, लाइकेन से ब्रायोफाइट्स ग्रो करें, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अगर वहां पे ग्रो कर गए, जिम्नोस्पर्म ग्रो कर गए, तो वो रेगिस्तान रहा क्या? वो तो कैसा हो गया, नॉर्मल प्लेन एरिया हो गया, ठीक है। तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मैजिक। तो चाहे जिराफ हो चाहे हाइडार्क हो, सक्सेशन का अल्टीमेट कंडीशन क्या होगी, जाके मैजिक कंडीशन होगी, यही बोल रहा है, ठीक है। हेंस बोथ हाइडार्क एंड जिराक सक्सेशन लीड टू मीडियम, जो मैजिक है उसको क्या बोलते हैं, मीडियम वाटर कंडीशन, ठीक है, नीदर टू ड्राई नॉर टू वेट, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आओ, द स्पीसीज दैट इनवेड अ बेयर एरिया, मैंने पहले बता दिया कि वो स्पीसीज जो सबसे पहले किसी बेयर एरिया में आती है जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा, उसको क्या बोलते हैं, पायनियर कम्युनिटी, वही लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। In primary successions on rocks, these usually lichens which are able to create. अब बच्चे ये आ जाओ आप, ये suppose कर लो आपकी rock, ये क्या है, rock है, rock पे सबसे पहला जो pioneer species होती है वो बच्चे lichen, lichen secrete करते हैं बच्चे क्या, acid गिरेगा rock में तो क्या करेगा, dissolve करेगा rocks को, वेदरिंग प्रोसेस होगी, ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस होगी, सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा सॉइल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये लाइकेंस मिलियंस ऑफ इयर्स पे ग्रो करेंगे, पूरी की पूरी रॉक्स पे ग्रो करेंगे, पूरी की पूरी रॉक्स में थोड़ा बहुत क्या क्रिएट कर देंगे, सॉइल फॉर्मेशन। अब इसके बाद फिर आएंगे लाइकेंस के बाद ब्रायोफाइट्स, वो चूंकि ब्रायोफाइट छोटा प्लांट है, उसको थोड़ी सी चीज चाहिए ना, तो उसकी रूट बहुत ज्यादा जानी है, स्ट्रक्चर होता, ठीक है, तो रूट वो जो है क्या कहते हैं, तो ब्रायोफाइट स्टार्ट होगा। अच्छा, ब्रायोफाइट जब मरेगा डिकम्पोज करेगा, तो वो क्या करेगा, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पर, क्योंकि ब्रायोफाइट प्लांट है, तो ब्रायोफाइट प्लांट में साथ साथ उसने क्या किया हुआ, फोटोसिंथेसिस की हुई है, फोटोसिंथेसिस की, उसका ऑर्गेनिक मैटर गिरा, दैट मींस कि कुछ ना कुछ एनिमल स्पीसीज कुछ ना कुछ उसमें ग्रो करना स्टार्ट कर दे, तो सॉइल जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो गए। ब्रायोफाइट के बाद आ गए नेक्स्ट कम्युनिटी टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सॉइल थोड़ा ज्यादा हो गई, टेरिडोफाइट्स फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए, एनिमल्स आए, डिकम्पोजर्स आए, ठीक है, दैट मींस कि हर स्टेप पे सॉइल फॉर्मेशन इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नो आ गए, जिम्नो के बाद एंजियोस आ गए, environment जब तक अनचेंज रहेगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या रहेगी, पर अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसीलिए लिखा कि ये स्टेबल कब तक है, जब तक आपकी एनवायरमेंट क्या है, अनचेंज है। विद द टाइम जीरोफिटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेजोफाइट, ऐसा हैबिटेट जहां पे सॉइल का जो लेवल है वो मतलब मीडियम कंडीशन में, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओगे, इन प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर में कौन ग्रो करता है, फाइटो
वाटर में कौन ग्रो कर रहा है? फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स बायोमास इकट्ठा करेगा थोड़ा सा, जो भी कर रहा है ठीक है, उस पर क्या करो, कौन ग्रो करेगा? जो प्लैंक्टन, ठीक है। ये सब मरेंगे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे। वो सब कहाँ पे सेटल होगा? बॉटम पे। बॉटम पे सेटल होगा। अब जब बॉटम पे सेटल होगा तो इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करने पड़े करने लगेंगे जो एक्वाटिक, ठीक है। वही लिखा हुआ देखो यहाँ पे कि वाटर में देखो द पाइनर से आर द स्मॉल हाइड्रोप्लैंक्टन्स, हाइड्रोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स, दे आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाय प्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, ठीक है। उनको भाई अदर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वहां पे चाहिए मिनरल्स, सॉइल, ठीक है। वो जब ये गिरेंगे या ऑर्गेनिक वगैरह ये होंगे तो मिनरल न्यूट्रिशन होगा तो वहां पे जो अदर प्लांट्स है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि दे आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाय फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, देन बाय रूटेड हाइड्रोफाइट्स, बाद में रूटेड हाइड्रोफाइट्स आ जाएंगे, सेजेस, ग्रासेस एंड फाइनली द ट्रीज। भाई ये सपोज कर लो तुम्हारा पॉन्ड था, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स हुए, जू प्लैंक्टन्स सब गिरे, तो ये जब यहाँ पे गिरेगा तो ये तो सैलो होता जाएगा ना, सैलो होता चला जाएगा, पहले किनारे से ज्यादा सैलो होगा, धीरे धीरे करके इसका वाटर खत्म होता जाएगा, वो जो उनका डेथ एंड डिकम्पोज मटेरियल है उसमें गिरता जाएगा और वो क्या होता जाएगा, साथ में बाहर से जब एयर आएगी तो कुछ सॉयल लेके आएगी लेके, तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, सैलो होता जाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, ठीक है। फाइनली द क्लाइमेक्स अगेन वुड बी फॉरेस्ट, मतलब क्लाइमेक्स अगेन फिर से क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। विद द टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड, हाइडार्क में भी आपको बोल सकता है कि हाइडार्क में भी जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहाँ पे होगी, लैंड में होगी, ठीक है। इन सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी खत्म, इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीसीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉयल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द एनवायरमेंट एज ऑल्सो द सीड्स आर अदर प्रोपेगुल्स प्रेजेंट, ठीक है। मतलब कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है जहाँ पे जो स्पीसीज इन्वेड करने जा रही है वो किस पे डिपेंड करेगी, कौन सी स्पीसीज इन्वेड करेगी किस पे डिपेंड करेगा, कि सॉइल की कंडीशन कैसी है भाई वहाँ पे, अवेलेबल वाटर कितना अवेलेबल, एनवायरमेंट फैक्टर कैसा है, ठीक है। कि सीड्स अगर वहां पे ग्रो करे तो ग्रो कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर, सॉइल चुकी है, द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर एंड हेंस क्लाइमेक्स इज आल्सो रीच मोर क्विकली, तो क्लाइमेक्स यहाँ पे जल्दी पहुंचेगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पे जल्दी आएगी, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सक्सेशन पर्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, टेकिंग मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द क्लाइमेक्स टू बी रीच्ड, ठीक है। Another important fact is to understand that all succession whether taking place in water or land proceed to the similar climax community that will be the major, पहले बता दिया मैंने कि चाहे वो लैंड हो चाहे जो हो वो कैसा होगा, सो ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर बना है, ये आपका प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल है, स्पेशली किसका बेटा, हाइड्रार्क का, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स दूसरा स्टेज। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता बच्चे, इसको याद रखना, पिक्चर को ध्यान दो, फाइटोप्लैंक्टन्स है, फिर रीड स्वैम्प स्टेज है, तीसरा सबमर्ज प्लांट स्टेज है, इसको रटना है तुम्हें, क्या करना है, मेरे में एबीसीडी दिया नहीं है ना, हाँ बच्चे हाँ सही सही सही, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन देन सबमर्ज प्लांट स्टेज देन सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग देन रीड स्वैम्प then marshy swedo amido and then scrub stage and the last one is the forest. So bache ye picture aise bhi rat lo, naam aise bhi rat lo aur picture bhi yaad kar lo, bahut important hai, matlab succession se question banega to ab ye stages puchne ke chance hai. Kul mila ke maine tumhara within time khatam kar diya hai, नहीं विद इन टाइम में दो बज गए, तो अब हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, इसमें से ये ग्राफ वगैरह कुछ है जो कि बहुत, वैसे तो बच्चे पूरा वही है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो मोर इम्पोर्टेंट है उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो लेस इम्पोर्टेंट है उनको आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो, पर
अच्छा इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए किससे, बायोडाइवर्सिटी एंड मुझे लग रहा है आपके इकोसिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आपके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से पूछे गए हैं। एंड लास्ट वन इज कौन सा, एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है लास्ट वन इज एनवायरमेंटल इश्यूज। तो अब मैं बहुत तेज बढ़ूंगा क्योंकि बच्चे यहाँ समझाने वाली चीजें क्या हो गई बहुत कम हो गई, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम मिल गया, मतलब एक चीज तो श्योर है कि जो कमिंग वीक होने वाला है सैटरडे संडे पेपर वो तो नहीं है, हाँ संडे को दिक्कत करेगा फिर तो माइट भी चांसेस है, तैयार रहना मेंटली बेटा पूरा खत्म करूंगा, पूरा तो हो ही नहीं पाएगा बच्चे एक दिन में, तो मेरी हिम्मत नहीं है डिलीवर करने की क्योंकि यहाँ पे बोलना, हाँ बोलना बहुत पड़ता है ना बच्चे, यहाँ पे डिले हो रहा है बच्चे। ये खत्म हो तो हम बाकी के 2 चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन वो खत्म करें, क्योंकि वो भी स्ट्रेटजी एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है। और आफ्टर दैट फिर हम आगे जो है क्या कहते हैं, ये क्लास बच्चे चलता ही रहना, बिना तुम्हारा फिजिक्स खत्म होता तो मैं उधर बाद में लेना स्टार्ट कर देता, फिजिक्स का नहीं चलता। लेक्चर का मतलब है सीधे हफ्ते बोला करो, तो नहीं लेक्चर का मतलब नहीं है 2 हफ्ते टेस्ट प्रॉब्लम कर रहा है। तुम्हारा इसके बाद भी तो खाली रहता है मेरे बाद, बस यह कि ये सिस्टम नहीं होगा। तुम्हारा बहुत पीछे चल रहा है जिस हिसाब से टारगेट डेट दे रहे हैं 30th अप्रैल। चलो सर मेरा सिलेबस तो खत्म कर दूंगा 30th अप्रैल को, स्पीड बढ़ाने में बस फिर जान कर बढ़ा रहा हूँ, ऐसे करो ज्यादा अच्छे से डिलीवर करने और आराम से सर्विस कर। ट्वेल्थ वाला पार्ट में जैसे ट्वेल्थ खत्म हो गई तो थोड़ा चार दूसरे चैप्टर मेरा वैसे उसके बाद फिर एवोल्यूशन है, एक आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज में मैं सिर्फ डिजीज का कुछ पार्ट बोर्ड पे डिलीवर करूँगा, बहुत रखता अप्लीकेशन है उसको आना ही है बच्चे, बाहर जाने का मतलब नहीं है। तो कुल मिला के तुम्हारे जो चैप्टर पे डिलीवर करने हैं बोर्ड पे वो बहुत कम है, जानते हो कितने, 3 चैप्टर आपके रिप्रोडक्शन से, 2 चैप्टर आपके जेनेटिक्स से और 2 चैप्टर आपके बायोटेक्नोलॉजी, 7 चैप्टर ये मुझे सिर्फ बोर्ड पे डिलीवर करते हैं, बाकी बोर्ड हाँ बड़े चैप्टर हैं उसका तो मुझे बड़े चैप्टर बड़ा चैप्टर है, स्पेशली पहला वाला बहुत बड़ा है। जो सेकंड चैप्टर है उसको अगर इस तरह के 2-2 घंटे के लेक्चर हुए तो 6 घंटे 7 घंटे 6 घंटे